पूछा भी गया कि तुसी किदे नाल एक गाना करना चाहोगे। मैं कहा कि यार सिद्धू मूसेवाला जी नाल जे मैनूं मौका मिले मैं कदे ना नहीं कर सकती, उन्हां नाल तां मैं खड़े पैरी जावांगी। कद जदों आपां शूट भी कर रहे सी फिल्म असीं कदे नहीं सोचिया सी कि जिहड़ा आपां उन्हां नूं उस टाइम उन्हां दे हिट डायलॉग्स हिट गीत उन्हां दे आपां बोल रहे हैं कदे उन्हां दी याद बन के आवांगे तां बहुत बुरा लगदा है। ते आपां साडी हुण सारे जिन्ने भी इंडस्ट्री दे लोक है साडा सारियां दा हुण यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असीं उन्हां दी याद नूं नहीं मरन देवांगे ते जिन्ना हो सके उन्हां लाइफ टाइम उन्हां नूं असीं जिउंदे रखना ही है ये चीज़। ते मैं उम्मीद करदी हां कि सिद्धू मूसेवाला जी नूं हर फिल्म च उन्ना ही प्यार मिलेगा जिन्ना पहला मिलदा रहा सी। ते अज तो बाद जिन्नियां भी मूवी आनी मैनूं लगदा बहुत साल बाद भी जिन्नियां भी मूवी आउणगियां जो असीं भी वड्डे बूढ़े हो जाएंगे उन्हां नूं ट्रिब्यूट हर कोई दिंदा ही रहेगा क्योंकि इस तो वड्डी फैन बेस मैं नहीं कदे देखी। इंडस्ट्री च यार इन्ने सोहणे सरदार हैगे आ, रणजीत जी, तरसेम जी, दिलजीत दोसांझ जी हो गए, एमी विर जी हो गए, इन्हां सारियां नाल काम करन दी मैनूं वेट रहिंदी है। तो जदों इन्हां दोनां नाल ही मैनूं एक मूवी मिल गई तां मैं इस तो वड्डा मैं एक्साइटमेंट लैवल मेरा हो नहीं सकदा सी। पर हाँ मैं माहीवे दे हर मैं अग लाई है बोलो अग लाई है मैं दी तुसी कह रहे हो तो मैं मन लैनी हाँ। फिर मैं हर ओदे हर विजन ते मैं सीटी मारदी क्योंकि वो जिहड़ा गाना सीगा उन्होंने आपां सोचिया सी कि इहनूं जिन्ना ग्रैंड जिन्ना ग्लैमरस बना सकदे उन्ना बनाईए। तो जदों वो देखिया लोगों ने सीटियां मारिया तालियां मारिया तो मैनूं बहुत वधिया लग्गिया। मैं मुंडा भी नहीं जे मैनूं सीटी मारनी आंदी तो मैं मार ही दिंदी। रंजीत बाबा जी ते जिहड़ी हंसी आंदी है ना उन्हां ते नहीं उन्हां दे कैरेक्टर ते मतलब वो इन्ना सोहना परफॉर्म करदे है। उन्हां ने कॉमेडी साडी फिल्म दी वो जान सीगे मैं ये कह सकदी हां। ते उन्हां नूं देख के मैनूं इन्ना हासा आंदा है जिहड़ा मिठा दा किरदार सीगा ते उन्हां ने फसा के रखिया मेरे जीते नूं पर चलो वधिया लगदा ओह इक किरदार सी जिहड़ा मैनूं बहुत पसंद आया। सो फुल ग्लैमरस जो अज दिख रहे हैं जो फिल्म के भी एक झलक विखा चुके हैं एक पिंड की टिपिकल कुड़ी जैस्मिन खुद किहो जिहा फील कर रहे हो फिल्म देखने तो बाद? बहुत ही वधिया फील होंदा है। प्रीमियर डे तो मेरे लिए सब तो ज़्यादा स्पैशल होंदा है। मैं लोगों के रिस्पॉन्स देखती हाँ। हले मैं फिल्म इन्नी ध्यान नाल नहीं देखी क्योंकि मेरा ध्यान रहिंदा लोगों के वल कि लोकी की रिएक्ट कर रहे हैं। तो जदों जैस्मिन बाजवा इदा ना देखते हुए जो किरदार में ज़्यादा देखते हैं लोग तो ज़्यादा वधिया लगता है क्योंकि वो मेरी मेहनत आ ये मेहनत नहीं लगती है वो लगती है। तो जो वो एप्रीशिएट होंदा तो वो मेरे लिए बहुत स्पैशल है। अच्छा जैस्मिन ऑनेस्टली दसियो ठीक है अपने आप को किहड़े सीन च वेख के लग्या भी जे मैं मुंडा आंदी जे नहीं भी होंदी जे मैं सीटी मारनी आंदी मैं जरूर मारनी? मैनू तो सारे मेरे सीन वधिया लगते पर हाँ मैं माहीवे दे हर मैं अग लाई है बोलो अग लाई है मैं दी तुसी कह रहे हो तो मैं मन लैनी हाँ। फिर मैं हर ओदे हर विजन ते मैं सीटी मारदी क्योंकि वो जिहड़ा गाना सीगा उन्होंने आपां सोचिया सी कि इहनूं जिन्ना ग्रैंड जिन्ना ग्लैमरस बना सकदे उन्ना बनाईए। तो जदों वो देखिया लोगों ने सीटियां मारिया तालियां मारिया तो मैनूं बहुत वधिया लग्गिया। मैं मुंडा भी नहीं जे मैनूं सीटी मारनी आंदी तो मैं मार ही दिंदी जी। वाकई वो गाना एक फिल्म दे विच इस तरह का एक अलग फ्लेवर लैके आंदा ना कि मतलब बाकी वाओ वाली फैक्टर निकलता है। अच्छा करैक्टर्स की गल जरूर करना चाहांगे। खुद का करैक्टर तो आई एम श्योर जिन्हें मेहनत की होंगी उन्होंने सोहना ही लगता है। किहड़े करैक्टर ने तुहानूं इमोशनल किया इन द फिल्म एंड किहड़े करैक्टर तुहानूं मतलब हसन से बार बार मजबूर किया? मैनूं आई थिंक रणजीत बाबा जी ते जिहड़ी हंसी आंदी है ना उन्हां ते नहीं उन्हां दे कैरेक्टर ते मतलब वो इन्ना सोहना परफॉर्म करदे है। उन्हां ने कॉमेडी साडी फिल्म दी वो जान सीगे मैं ये कह सकदी हां। ते उन्हां नूं देख के मैनूं इन्ना हासा आंदा है जिहड़ा मिठा दा किरदार सीगा ते उन्हां ने फसा के रखिया मेरे जीते नूं पर चलो वधिया लगदा ओह इक किरदार सी जिहड़ा मैनूं बहुत पसंद आया जी। एंड इमोशनल किहने कीता तुसीं होए? इमोशनल मैनूं लगदा है कि जिहड़ा क्लाइमैक्स सीगा साडा वो साडी फिल्म दी जिहड़ी जान सारी सारी फिल्म उहदे ते टिकी होई आ। जदों तरसेम जी ने गल कीती किसानां बारे साडे मजदूरां बारे उन्हां दे ते सिस्टम नूं लैके किन्ना सानूं पता ही आ किवें लोन्स नूं लैके लोकी नुकसान होंदे घर उजड़ जांदे जदों सुसाइड्स होंदे इन्ना कुछ होंदा ये रियलिटी आ असीं देखिआ आ। ते जदों उन्हां ने उस चीज़ दी गल कीती मैं भी इमोशनल हो गई सी ते सारे इमोशनल हो गई सी। किते ना किते असी देखते ही आए हैं क्षितिज चौधरी सर की जिन्नी भी मूवीज़ होंदी है वो समाज नूं लैके बहुत रिलेटेबल होंदी है। तो मैं बहुत अपने आप को इन्ना लकी फील करती हाँ कि मैं जिस फिल्म च किसानां बारे गल हुई है उस फिल्म का मैं पार्ट सी जी सो अपने आप को देख के केड़ियां दो चीज़ां दी बेस्ट लगियां ने ते केड़ियां दो चीज़ां लगियां मैं हूं जिस मैं नैक्सट टाइम इनू इंप्रूव करना ना भुली। मैनूं लगदा इंप्रूवमेंट दा स्कोप हमेशा रहिंदा है। जे तुसीं सोचदे हो कि तुसीं इस तो मतलब ये तुसीं करता 100% एज एन आर्टिस्ट तुसीं मर गए, मैनूं ऐ लगदा है। मैं बहुत स्ट्रोंगली ये बिलीव करती हाँ कि स्कोप हमेशा रहूगा। मैं इस तो बाद जो भी लैके आवांगी सीरत तो बैटर लैके आवांगी, मैं ये प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि अपने तो मेहनत करनी तो मैं कदे नहीं छोड़ सकती। पर जे तुसीं कहने हो कि बेस्ट केड़ा लग गया, मैंने वो भी मैं अपने आप को हमेशा एप्रीशिएट भी करती हूँ, क्योंकि कितने ना कितने अपने तो इन्ना ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रहो। जो भी तुसीं काम करते हो उन्होंने तुसीं लाइट माइंडेड वे च लो तो उन्होंने पसंद करो, क्योंकि वो चीज़ एक पॉजिटिव जी होंदी है ना, पॉजिटिव मोटिवेशन वो ज़्यादा थोनों वर्क करती है, थोनों मोटिवेट करती है टू डू बैटर। तो मैनू वधिया लग्या मेरे दो सॉन्ग जेडे कजला ते माई वे सी वो वधिया लगे। मैनू मेरा इंट्रोडक्टरी जेड़ा सीन आ वो मेरा पर्सनल फेवरेट आ, जो गुंड चकदी है वो सारा वो मैंने ना डांस खोल के जोड़ा कीता है। ये कि रियल जैस्मिन के करैक्टर का एक साइड है। बिल्कुल वो मेरा पहला दिन सी मूवी का, तो मैं जो सैट पर पहुंची उन्होंने कहा कि तुसीं परफॉर्म करना है, तो मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं दस दो की करना। कहते जो दिल चाह रहे हो करो, मतलब ये कोई कोरियोग्राफी नहीं होनी है, किसी ने तेनों सिखाना नहीं। जो तुसा ने मैंने क्या जो दिल चाहे कर वो मैं आप किया, तो मैंने लगता वो तो आप करते करते ही दिल चो ही निकलिया जो निकलिया। डांस मैंने बहुत पसंद आ करना, वो कहते तू खुल जा तू मस्ती कर, तो वो मस्ती की मैं जी। अच्छा जैस्मिन आज किसी मिस किया, किसी फैमिली किसी फ्रेंड वास्ते देखिए कि यूजुअली बहुत सारे प्रीमियर्स पूरा जो ग्रुप है वो नाल होंदा है, सो आज तुहाडी खुद की फिल्म सी और तुसीं कह कि बाकी फिल्मां आ गई पर ये तुहाडी फर्स्ट फिल्म सी। जी जी बिल्कुल, मैं मिस तो किसी ने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स आए हुए सी, मेरे फ्रेंड्स आए हुए है, पर मैनूं ऐ लगदा कि हुणे मिस करन तो ज़्यादा बेटर है जेडे आया उन्होंने ते ध्यान देइए आपां। ते उन्होंने मैं देख रही सी जेडे भी आए सी कि उन्होंने की रिएक्शन सीगा, ते वधिया रिएक्शन सीगा, वधिया लग रहा मैनू। सारे ने वधिया ही किया, मेरे दोस्तों ने मैनू बहुत सपोर्ट मिनट जी। ये तुहाडे सीन ते जिन्नी बार हुटिंग और जिन्नी बार विसलिंग हुई है, एक ही तुहाडे ओही शरारती तत्व वाले दोस्त मैनू लगता रहा सी कि मेरे आप दे दोस्तों ने कीते होने। मैं उन्होंने कह भी रही सी तुसीं आओ तो गा पाओ, पर बाद चो मैनू पता लग्या कि सिर्फ ओही नहीं लोकी भी कर रहे सी जिन्होंने मैं नहीं भी जानती। तो वो मेरा गिफ्ट आ पर्सनल कि जो लोकी इहो जिहा कुछ करते हैं जेडे तुहानू पर्सनली नहीं जानते पर एज अ किरदार तुहानू पसंद करते हैं, ओही आ मेरा सब तो वड्डी कमाई। ओके ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤਰਸੀਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ बहुत ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ है। बहुत खुशी है क्योंकि मैंने मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, मैंने फोटोज़ से कमेंट कर रहे हैं कि थोड़े दोनों की जोड़ी बहुत वधिया लग रही है। मैं नर्वसनैस है क्योंकि ओबवियसली जो तुम पहली बार किसी आ रहे हो सब तो पहली गल है थोनों एज अ जोड़ी एक्सैप्ट करन लोकी, वो तो बाद फिल्म नूं पसंद करते हैं कि नहीं पहला थोनों देखते हैं। तो मैंने इन्ना वधिया लग रहा है जो आप माही विच भी इकट्ठे आए या साडी जिन्ने भी सीन सीगे वो जिहड़ा रोमांस सीगा वो सारा मैंने इन्ना वधिया लग रहा। मैं बहुत वेट कर रही थी कि साडे इंडस्ट्री च यार इन्ने सोहणे सरदार हैगे आ, रंजीत जी, तरसेम जी, दिलजीत दोसांझ जी हो गए, एमी विर जी हो गए, इन्हां सारियां नाल काम करन दी मैनूं वेट रहिंदी है। तो जदों इन्हां दोनां नाल ही मैनूं एक मूवी मिल गई तो मैं इस तो वड्डा मैं एक्साइटमेंट लैवल मेरा हो नहीं सकदा सी। ओके सो फिल्म नूं लैके हुण की कहना चाहोगे आपदी ऑडियंस नूं? मैं ये कहना चाहूँगी कि असीं अपनी मेहनत करती है, तो हुण ये तुहाडे हवाले आ, तो इस नूं आपां सिर्फ एक कॉमेडी नूं लैके के दिमाग च नहीं बनाए, बहुत प्यारा मैसेज भी लैके आती है, तो थोड़ा बहुत रिलेट करूगी। बहुत लोड आ इस टाइम यू नो माहौल को लाइट करन दी, क्योंकि कोविड चो भी निकलिया हूँ, भुल जाओ सारा स्ट्रैस, भुल जाओ अपने काम का स्ट्रैस, भुल जाओ 1 जुलाई को मूवी देखना आओ, खाओ पी ऐश करो। आई प्रॉमिस कि थोड़ा सारे बहुत मज़ा आएगा। इन्होंने खा पी भी ली है, ऐश भी कर लिया, हम इन्हों की बारी आ गई है सौरिया का पिंड गेड़ा लाँदी, हम इन्होंने असी उत्थे मिलांगे। बिल्कुल असी थोड़ा बहुत छेती मिलांगे इस तो बाद ही, पर 1 जुलाई को पहले जाना है, उस तो बाद इदा करो क्योंकि पहले महीने का पहला दिन होंगे सैलरी आऊगी, थोड़ा जहा खाओ पिओ च पा लिओ, थोड़ा जहा सौरिया च पा लिओ। तो सौरिया च बहुत ही मैं एक बहुत सरप्राइजिंग कैरेक्टर लेके आ रही हूँ, ज़्यादा असी ट्रेलर च नहीं रिवील किया है, पर मैं थोड़ी स्माइल दस रही है, बड़ी सरकास्टिक जी स्माइल है। मैं बहुत उस फिल्म को लेके भी मैं बहुत खुश हाँ, क्योंकि पहली गल तो अंबरदीप सर उस फिल्म च उन्होंने नाल काम करन दा मेरा ड्रीम सीगा, क्योंकि वो मैनू लगता साडे इंडस्ट्री के नो डाउट सब तो वड्डे राइटर है। तो उन्होंने जो मैं काम किया मैनू इन्नी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं उन्होंने लिखे बोल रही हाँ। सांझ कैरेक्टर आ उहदे बहुत वधिया लगूगा, तुसीं देखोगे। गुरनाम नाल मैं पहला भी काम किया है फुफड़ जी च, उहदे च तां साडी इन्नी ज़्यादा मतलब कह सकते तुसीं इन्ना हसी मजाक का लाइट कैरेक्टर आ कि तुहानू सारियां नू पसंद आऊगी सांझ भी, पर पहला तुसीं सीरत नू प्यार देना। एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग दे विच तुहाडी फैन मोमेंट जिहड़ी शुरू होने वाली है उसनू वेख के आ रहे हो तुसीं जैस्मिन जदों दे आए हो तुहाडी चर्चा है, लोकी तुहाडे नाल फोटोआं खिचवाउण लई तरस लैके दी जैस्मिन ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਰਸੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਲੀਸਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ दो तीन डायलॉग्स जोड़े ने उस लैजेंड नू ट्रिब्यूट हो चुके हैं, जिस दे बारे उस टाइम सोचा भी नहीं होना कि इस दे गीत अज असी बोल रहे हैं तो कल नू ये चीज़ इस तरह कनैक्ट हो जाएगी। तुसी भी शेयर किया है, तुसी भी उस दुख चो हंड रहे हो क्योंकि तुसी भी उस इंडस्ट्री का पार्ट हो एंड उन्हों के गीत तुहाडी फिल्म के डायलॉग्स ने। बिल्कुल मैनू मैं अपने आप नू तां उन्हों दी बहुत वड्डी फैन मनदी हाँ। एक इंटरव्यू मेरा सीगा यार जिगरी दी प्रमोशनस के टाइम आपां कर रहे सी, जिथे मैनू पुछया भी गया सी कि तुसी किदे नाल एक गाना करना चाहोगे, मैं कहा सी कि यार सिद्धू मूसेवाला जी नाल जे मैनू मौका मिले मैं कदे ना नहीं कर सकती, उन्हां नाल तां मैं खड़े पैरी जावांगी। कद जदों आपां शूट भी कर रहे सी फिल्म असीं कदे नहीं सोचिया सी कि जिहड़ा आपां उन्हां नू उस टाइम उन्हां दे हिट डायलॉग्स हिट गीत उन्होंने आप बोल रहे हैं कदे उन्होंने याद बन के आवांगे, तो बहुत बुरा लगता है। तो आप साड़ी हुण सारे जिन्नी भी इंडस्ट्री के लोग है साडा सारियां दा हुण यही रिस्पोंसिबिलिटी है कि असी उन्हां दी याद नूं नहीं मरन देवांगे, तो जिन्ना हो सके उन्ना लाइफ टाइम उन्हां नूं असी जिउंदे रखना ही है ये चीज़। तो मैं उम्मीद करती हाँ कि सिद्धू मूसेवाला जी नूं हर फिल्म च उन्ना ही प्यार मिलेगा जिन्ना पहला मिलता रहा सी, ते अज तो बाद जिन्नियां भी मूवी आनी मैनूं लगदा बहुत साल बाद भी जिन्नियां भी मूवी आउणगियां जदों असीं भी वड्डे बूढ़े हो जाएंगे उन्हां नूं ट्रिब्यूट हर कोई दिंदा ही रहेगा, क्योंकि इस तो बड़ी फैन बेस मैं नहीं कदे देखी। बिल्कुल सो बिल्कुल सही क्या है। एंड जान तो पहले एक काला रंग बैन नहीं होया करवान दे इच्छू को करवाना चाह रहे हो? नहीं मैं क्या अज जे वधिया लगे तो नज़र ना लगे इस करके मैं सो नज़र नहीं लगेगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच जी। बिल्कुल साडे नाल सीगे जैस्मीन, बहुत गल्लां बातां असीं उन्हां नाल कीतीआं फिल्म नूं लैके एंड उन्हां दी लाइफ नूं लैके। सो बस इस तरह अपडेट करदे रहांगे। फिलहाल दे लई दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।